बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सेशन सेकंड स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ एनिमल हाउसिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी। इसमें हमने पहला पढ़ा था प्रोविजन फॉर फ्लोर। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर एंड वाटर ट्रॉफ। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है मैनेजर एंड वाटर ट्रॉफ। मैनेजर एंड वाटर ट्रॉफ। तो मैनेजर्स एंड वाटर ट्रफ्स इज़ कंस्ट्रक्टेड विथ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। किससे बने होते हैं ये? सीमेंट कंक्रीट से, ब्रिक से, विथ सीमेंट मोटर और स्टोन स्लैब्स या स्टोन स्लैब से, विथ सीमेंट जॉइनिंग, सीमेंट की जो वो उनको ज्वाइन करता है। जो भी ब्रिक्स वगैरह हैं, स्टोन स्लैब्स हैं, उनको एक ज्वाइन करता है। इससे जो वो हैं हमें मैनेजर्स एंड वाटर ट्रफ्स बनाते हैं। जिनके लिए? एनिमल्स के लिए। जो अगर हम आसान भाषा में देखें, अगर हम मैनेजर्स की बात करें, ये क्या होते हैं? फूड होल्डिंग स्ट्रक्चर्स। इनमें हम क्या रखते हैं? एनिमल्स के लिए फूड। इससे वो फूड खाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ब्रिक्स के, स्टोन्स के, विथ सीमेंट। तो इनमें हम फूड रखते हैं एनिमल्स के, इससे वो फूड खाते हैं। तो इसी तरह जो वाटर ट्रफ्स है, जो वाटर ट्रफ्स है, ये क्या है? ये वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वाटर होल्डिंग जो होते हैं, वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स ये भी ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि इनमें वाटर जो है वो हम रख सकें। किन के लिए? एनिमल्स के, ताकि वो वाटर ड्रिंक कर सकें। इससे आराम से वो वाटर ड्रिंक कर सकते हैं इससे। तो फीडिंग एंड वाटरिंग स्पेस रिक्वायर्ड इन द पैडक इज गिवन इन टेबल 3.2। जो ये फीडिंग, जहाँ से फीड करते हैं मैनेजर्स एंड जो वाटर ट्रफ्स है, ये जो ज़रूरत है किनके लिए? एनिमल्स के लिए। किस में? एक पैडक जो होता है, जो एक फील्ड होता है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, एक फील्ड एरिया जो होता है जहाँ पर एनिमल्स को हम रखते हैं, उनको रियर करते हैं, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर टेबल 3.2 में दिए गए हैं। द डेप्थ ऑफ वाटर ट्रफ इज़ केप्ट एट ए मिनिमम ऑफ 3 इंच। जो डेप्थ वाटर ट्रफ की रखते हैं वो कितनी रखते हैं? डेप्थ कितनी रखते हैं? 3 इंच, 3 इंच रखते हैं।
तो इस टेबल में हम देखेंगे फीडिंग एंड वाटर स्पेस रिक्वायर्ड इन द पैडक। जो पैडक है, जो फील्ड एरिया है जहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं, यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं जो फीडिंग एंड वाटर स्पेस होता है इनमें, खाने की जगह और जो पीने की जो स्पेस होती है इस वाटर टेबल में दिया गया है, इनकी लेंथ वगैरह दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जांपल अडल्ट कैटल एंड बफेलोज के लिए अलग होता है इनका ये डायमीटर वगैरह, इनकी लेंथ वगैरह, क्लेव्स के लिए अलग होता है। तो अगर हम अडल्ट कैटल एंड बफेलोज की देखें तो इसमें हम देखेंगे जो है ये अडल्ट कैटल्स टाइप्स ऑफ एनिमल जो है अडल्ट कैटल एंड बफेलोज, इनमें अगर लीनियर लेंथ पर एनिमल अगर लीनियर लेंथ देखें वो कितनी रहती है, वो रहती है 0.6 to 0.7 meters। अगर हम टोटल मेंजर लेंथ देखें, अगर मेंजर की टोटल लेंथ देखें मीटर्स में पर 100 एनिमल, अगर 100 एनिमल्स एक जगह है, अगर वहाँ पर हमें मेंजर बनाना है तो उसकी क्या लेंथ रहती है पर 100 एनिमल्स, तो वो क्या रहता है, अगर हम देखें तो वो रहता है 60 to 75 meters। ये वाटर ट्रफ्स लेंथ इन मीटर्स पर 100, अगर वाटर ट्रफ्स जो हैं, अगर एक जगह 100 एनिमल्स हैं, हमें वाटर ट्रफ्स बनाने हैं, तो जो वाटर ट्रफ हम बनाते हैं पर 100 एनिमल की उसकी क्या लेंथ रहती है, 6 to 7.5 meters। अगर हम देखें यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ मेंजर ओब्लिक वाटर ट्रफ, देखें डायमेंशंस ऑफ ये यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ मेंजर एंड वाटर ट्रफ, हाइट ऑफ वॉल अगर देखें अलग अलग से, इनकी हाइट ऑफ वॉल जो मीटर्स में होती है वो 0.6 meters होती है, डेप्थ होती है 0.4 meters और विड्थ रहती है 0.5 meters। अगर क्लेव्स के लिए देखें, क्लेव्स के लिए लीनियर लेंथ पर एनिमल इन मीटर्स, ये क्लेव्स के लिए 0.4 to 0.5 meters। टोटल मेंजर लेंथ क्लेव्स के लिए इन मीटर्स पर 100 एनिमल्स वो कितनी है, 40 to 60 meters। वाटर ट्रफ्स लेंथ मीटर इन मीटर्स पर 100 एनिमल क्लेव्स के लिए 4 to 5 meters। डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस ऑफ मेंजर ओब्लिक वाटर ट्रफ क्लेव्स के लिए, हाइट ऑफ द वॉल अगर देखें क्लेव्स के लिए 0.4 meters, तो डेप्थ देखें 0.15 meters, तो विड्थ देखें 0.2 meters। तो ये था मेंजर्स एंड वाटर ट्रफ जो होते हैं इन डेयरी एनिमल्स के लिए, जो हम बनाते हैं फीडिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अल्लाह हाफिज़।